फ्रेंड्स, यहाँ पर खीचा बनाने का प्रोसेस चल रहा है। ये मैदे का आटा है और इसके अंदर गर्म पानी गर्म करके इसके अंदर डाला गया है, जो कि खीचा बनाने में अच्छा रहता है। अब इनको इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद फिर खीचे टोकरे बनाकर इसके वापस इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर डालकर अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद ये खीचे बनेंगे, इस तरह के खीचे बनेंगे, देख सकते हो। ये खीचे बनेंगे इस तरह के और फिर हम त्यौहार पर इनको फ्राई करके खाएंगे। बाज़ार में जो ये मिलते हैं बहुत ही महंगे मिलते हैं, इसलिए हम इनको घर पर बनाते हैं। तुमको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।